हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रवीज किचन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भरवा बैंगन की रेसिपी, जो बिल्कुल सादा मसालों से बनी हुई है रेसिपी है। इसमें ना तो हमने प्याज और ना लहसुन का इस्तेमाल करा है। ये बहुत ही डिलीशियस और सिंपल रेसिपी है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार खाना पसंद करेंगे। ये देखिए, सादे मसालों से कितने अच्छे बैंगन बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 300 ग्राम बैंगन। इसे हम बीच से काट लेंगे दो हिस्सों में। इस तरह बैंगन काटने से हमें पता भी चल जाएगा कि हमारा बैंगन अच्छा है या ख़राब। इस तरह से काटते जाएंगे और बीच से हम इन्हें देखते भी जाएंगे। इस तरह से हम सारे बैंगनों को इस तरह से काट लेंगे। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर को हमने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच हींग। और इसके साथ साथ में हम लेंगे 1 चम्मच नमक। अब हम इन मसालों को अच्छे से मिलने तक मिला लेंगे। ये बहुत ही सादा और सिंपल रेसिपी है। मसाला हमारा बनकर तैयार है। अब हम इन्हें बैगनों में भर लेंगे। अब हम एक बैगन उठाएंगे और बीच से इसे चीरते हुए इसमें मसाले को भर लेंगे अच्छी तरह से, और इसे अच्छी तरह बंद करके प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह हम दूसरा भी बैगन भर लेंगे। इस तरह से हम सारे बैगनों को तैयार कर लेंगे मसाले भरकर। ये देखिए, अच्छे से मसाले इसमें भर गए हैं। अब हम पैन गरम कर लेंगे, उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंगन को हम अलग अलग रखेंगे, एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, नहीं तो बैंगन जो है वो प्रॉपर सिक नहीं पाएंगे। बैंगन को हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। अब जो मसाला बचा हुआ है वो हम बैंगन के ऊपर डाल देंगे। अब हम इन्हें ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। इसके बाद हम खोलकर चेक करेंगे बैगनों को। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, बैगन एक तरफ से पक चुके हैं। अब हम सारे बैगनों को इस तरह से पलट देंगे। जिधर से पक चुके हैं वो साइड हम ऊपर की ओर कर देंगे और हम फिर से इसे ढककर 3-4 मिनट के लिए रख देंगे। 3-4 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें फिर से पलट कर जो साइड पक चुकी है वो ऊपर की ओर कर देंगे और जो साइड पकी नहीं है वो साइड नीचे की ओर कर देंगे। इस तरह से पकाते हुए हम बैंगनों को लो फ्लेम पर 12 से 15 मिनट पकाएंगे। अब हम इन्हें 2-3 मिनट और ढककर रख देंगे। इसके बाद खोल के हम फिर से चेक करेंगे बैंगनों को। ये देखिए, बैंगन बिल्कुल पक चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल देंगे। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें धनिया की गार्निश कर देंगे। बैगन हमारे बनकर तैयार हैं। ये देखिए कितने अच्छे बैगन बने हैं, बिल्कुल मसाला इसमें अच्छे से भर चुका है। इन बैगनों को आप सिंपल चपाती के साथ या पराठे के साथ
खा सकते हैं। ये पराठे के साथ तो बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं ये बैगन। आई होप कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। फिर मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।